श्रीकांत आ रहा है सबकी आंखें खोलने। ये एक रियल हीरो की कहानी है और इस हीरो की कहानी को रियल हीरो लेकर आए राजकुमार राव। राजकुमार जी, राव जी, आपका स्वागत है डिजाइना न्यूज़ में। आपने इससे पहले भी ढेर सारी हिट फिल्म्स दी हैं और काफ़ी पसंद की, और वो फिल्में थी जो समाज को संदेश देने का काम करती थी, और उससे समाज ने कुछ कुछ संदेश लिया भी है, क्योंकि फिल्में देखकर लोग सजग होते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुधार भी करते हैं। राजकुमार राव फिर एक नए पर्दे पर 10 तारीख को फिल्म लॉन्च होगी, सबकी आंखें खोलेगी। एक ब्लाइंड व्यक्तित्व पर ये फिल्में और कहीं ना कहीं संदेश देती है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो बहुत कुछ करना चाहते तो है लेकिन आंखों की रोशनी के बगैर। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को? आपने कब साइन किया, किस तरह इसका स्क्रिप्टिंग आपने पढ़ा और डिसाइड हुआ कि नहीं इस फिल्म को मैं ही करूँगा? पहले बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी, आप यहाँ पे आए। और श्रीकांत जो हमारी फिल्म है, जो एक बायोपिक है, एक सच्चे श्रीकांत की ज़िंदगी पर आधारित है, वो आ रही है 10 मई को, थिएटर्स में आ रही है, सिनेमाघरों में आ रही है, और बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये जैसा आपने कहा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड, एक नेत्रहीन लड़का है जो पैदा ही बाय बर्थ नेत्रहीन था, और कैसे एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था, और वहाँ से मेहनत करके, मुश्किलों का सामना करके, संघर्ष करके, यू नो, अमेरिका गया, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की, स्कॉलरशिप पे गया, और वापस आकर कैसे एक मिलियन डॉलर कंपनी खड़ी की। तो आई थिंक ये पूरी जर्नी जो है उसके अंदर, इसके बीच में और भी बहुत कुछ होता है, ये बहुत ही मुझे इंस्पायरिंग लगी मुझे ये कहानी जब मैंने सुनी। और मुझे लगा कि विजुअली इम्पेयर्ड है तो इससे पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा ये मेरे लिए भी एज एन एक्टर करना, और बहुत काम था, लेकिन बहुत रिसर्च करनी, बहुत होमवर्क करना पड़ा, पर जब चैलेंजिंग काम होता है तभी मुझे ज़्यादा मज़ा आता है करने में। क्या आप रियल हीरो है, लेकिन रियल हीरो के साथ भी कुछ समय स्पेंड किया आपने? बिल्कुल किया, क्योंकि बायोपिक है तो जो असली श्रीकांत हैं उनके साथ बहुत वक्त बिताया मैंने, क्योंकि उन्हीं की ज़िंदगी को वापस पर्दे पर जीना था, उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना, उनके साथ घंटों बैठा मैं बात करता रहा, उनके वीडियोज़ बहुत सारे बनाए जो मैं घर जाकर वापस फिर बार बार देखता था। क्योंकि मेरा ये था कि मुझे अगर ये विजुअली इम्पेयर्ड के किरदार को निभाना है तो मुझे ऐसा कुछ करना है, इस तरीके से करना है कि उससे पहले ऐसा शायद कभी देखा ना हो लोगों ने, कुछ नया लेके आना था अपनी परफॉर्मेंस में मुझे, जो उनके साथ वक्त बिताने से ही चीज़ें मिल पाई मुझे। कितनी चुनौती थी इस फिल्म को करना? बहुत चुनौती थी। आई थिंक उस एक ऐसे किरदार को निभाना जो एक, जब भी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ होता है तो वो कन्विक्शन से करना और उसको मेंटेन रखना, यू नो, 2 महीने का आपकी शूटिंग प्रोसेस है उसमें, वो आसान नहीं होता है। तो उसके लिए मैं जब सेट पर आता था तो मैं 12-13 घंटे श्रीकांत ही रहता था, मैं अपने आप को बोलता था कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर मुझे कोई किसी को मुझे लेके जाना है तो आप मुझे बताइए, मेरी हेल्प कीजिए थोड़ा बहुत कि यहाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बिकॉज नई जगह है। तो वही एक जरिया था जिसकी जैसे मैं इस किरदार को निभा सकता था। श्रीकांत जी को आपने जिया है राजकुमार राव, लेकिन क्या आप अपना व्यक्तित्व जो है उनके व्यक्तित्व से ऐड कर पा रहे? अब जो आपकी ज़िंदगी कितनी बदली बदली से नज़र आती है, जब भी कोई चुनौतीपूर्ण कार्य व्यक्ति करता है तो चुनौतियों से कहीं ना कहीं लड़ना सीख जाता है कि नहीं, इतनी विपरीत परिस्थिति में यदि जो रियल हीरो है श्रीकांत राव वो सबकी आँखें खोल सकते तो मैं तो आँखों वाला राजकुमार राय हूँ, किस तरह से सीखा है उनसे आपने आपकी? नहीं, बहुत सीखा है उनसे मैंने, जैसे मैंने कहा कि उनकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी रही है, कुछ कुछ चीज़ें थी जिनसे मैं रिलेट कर पाया, जो थोड़ी बहुत मुझे सिमिलर लगी कि वो भी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, पर उन्होंने भी यू नो संघर्ष किया और जो भी चुनौतियाँ थी उनका सामना किया और अपना सपने को अचीव किया। तो मैं भी एक गुड़गांव, जो उस टाइम एक बहुत छोटा शहर था, वहाँ से हूँ, एक यू नो मिडिल क्लास फैमिली से, और एक सपना देखना कि मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करनी है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैंने भी अपना सपना जो है मैं इसको आज भी जी रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे रिलेट कर पाया उनकी ज़िंदगी से। स्टोरी की बात की जाए तो किस तरह स्टोरी स्टार्ट होती है खासतौर से श्रीकांत? श्रीकांत बोला की जो कहानी है वो शुरुआत होती है उनकी पूरी लाइफ जर्नी हम दिखा रहे हैं, एक बायोपिक है जिसमें बताया कि वो बचपन बहुत संघर्ष भरा रहा उनका, और बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में पैदा हुए थे वो, कुछ थे नहीं रिसोर्सेज, पर जैसे कहाँ से फिर उनके पेरेंट्स ने भी उनको थोड़ा सपोर्ट किया, फिर उनके ज़िंदगी में कुछ और लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन श्रीकांत ने कभी हार नहीं मानी। श्रीकांत हमेशा मेहनत करने के लिए बहुत ही तत्पर रहता था, क्योंकि उनको ज़िंदगी में कुछ बनना था, उनको लोगों की दया नहीं चाहिए थी, उनको मौका चाहिए था, बराबरी का मौका चाहिए था, जिसके लिए वो लड़े। क्या बात है, श्रीकांत जी ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को ऊपर लाया, खासतौर से एक सब्जेक्ट की बात की जाती है कि साइंस सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते थे, और कहा जाता है कि ब्लाइंड व्यक्ति को जो है साइंस का एडमिशन आसानी से एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से नहीं मिल पा रहा था, उस विषय के चलते कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में इस इन्होंने अपनी लड़ाई तो लड़ी, लेकिन सबका फ़ायदा हुआ, जितने भी ब्लाइंड लोग थे उन्हें अभी सब्जेक्ट को पढ़ने को मिल रहा है, जो टैलेंटेड थे वाकई उनका जो IQ था उस लेवल पे था कि वो ब्लाइंड होते हुए भी इस सब्जेक्ट को रन कर सकते थे, पढ़ सकते थे।
कैसा लगता है जब इतने सकारात्मक मैसेज इसी रियल हीरो के माध्यम से आते हैं समाज में और शासन को भी उसे मानना पड़ता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक जब तक अगर आप कुछ चीज़ों को चैलेंज नहीं करेंगे और किसी एक को तो खड़ा होना पड़ेगा, तो श्रीकांत ने वो हिम्मत दिखाई कि उनको वो काबिल थे, उनका बिल्कुल डिजर्व करते थे, लेकिन उस टाइम अलाउ आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें थी जब वो यू नो बड़े हो रहे थे कि अलाउ नहीं था उनको मेडिकल लेने के लिए बिकॉज ही वॉज विजुअली इम्पेयर्ड। तो उन्होंने कैसे इसके लिए केस किया, उस केस को जीता और उनके चलते आज बहुत सारे ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड यू नो बच्चे हैं हमारे जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो मेडिकल पढ़ सकते हैं अगर वो चाहें तो। यदि हम बात करें राजकुमार राव की और श्रीकांत जी की, दोनों की स्टोरी कैसी है जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की? जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ी बहुत सेम है कि हम बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और फिर ज़िंदगी में कुछ सपना देखा था, उसके लिए बहुत मेहनत की, संघर्ष किया और वो सपने को जी रहे हैं हम लोग। उसके अलावा आई थिंक उनकी ऑफकोर्स जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा मैं कहूँगा संघर्ष भरी रही है बिकॉज ऑल्सो ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। तो उनका तो कुछ चीज़ें आई एम श्योर उनके लिए मुझसे कहीं ज़्यादा टफ रही हैं। दर्शकों को आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि 10 को रिलीज है, रिलीज से पहले आप प्रमोशन करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें और कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाए कि संघर्ष भरा व्यक्ति का जीवन होता है, लाइफ होता है और इसी तरह आगे बढ़ा जा सकता है। इस फिल्म को देखने के बाद में कितना लाभ होगा ऐसे लोगों को जिन्हें वाकई अपना जो गोल है उसे तय करना है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हम सबको अच्छी लगती है पॉजिटिव फिल्में देखना, फिल्में जो आपको प्रेरणा दें, आपको इंस्पायर करें। तो श्रीकांत भी वैसी एक फिल्म है, एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी इससे। और जिस तरह के ट्रेलर का रिस्पांस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हमारे दिल को छू गया है। जितने लोगों ने भी, लाखों करोड़ों लोगों ने ट्रेलर देखा है और सबको बेहद पसंद आया है, सब लोग 10 मई का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वो फिल्म है कि जो आपको कुछ आपको ज़िंदगी में एक नई रोशनी देगी, नई उम्मीद देगी, आपको हौसला देगी और आपको हंसाते हुए, थोड़ा रुलाते हुए बहुत कुछ कह जाएगी। कोई अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप जाकर वोट कीजिए, सबसे पहले तो अपील है क्योंकि वोट चल रही है, हमारे लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, तो प्लीज़ जाके प्लीज़ गाइस गो आउट एंड वोट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी में। और फिर 10th मई को जाकर श्रीकांत आ रही है सिनेमाघरों में, वो भी देखिए। क्या बात है राजकुमार जी, आपने हमसे चर्चा की, डिजाइन ने से चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डिजाइन न्यूज़ इंदौर।